भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस ऑफिस के सामने छात्रों का प्रदर्शन, रवि परमार के फर्जी वीडियो की निष्पक्ष जांच की मांग। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के मामले में रवि परमार द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी फर्जी वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रवि परमार के समर्थन में अपनी नाराजगी व्यक्त की और फर्जी वीडियो की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का बयान। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, रवि परमार की बड़ी फर्जी वीडियो को लेकर हम गुस्से में हैं। सरकार इस वीडियो की निष्पक्ष जांच कराए और सच्चाई को सामने लाए। रवि परमार ने नर्सिंग छात्रों के हित में आवाज उठाई है और उन पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसको इतना बड़ा करके आज तक नहीं दिखाया है। हम नर्सिंग स्टूडेंट का मानना ये है कि जो बड़े मुद्दे है स्टूडेंट के लिए, वो क्यों सरकार उठा रही है? छोटे से नकली वीडियो को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर यही मुद्दा नर्सिंग घोटाले को बनाते तो आज शायद 2 साल पहले ही हम राहत मिल जाती और हम अपने जो करियर की बड़ा कर पाते, समाज को बड़ा कर पाते। उस पर सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सरकार को अपनी कुर्सी पे ध्यान देना है, ना कि स्टूडेंट के भविष्य में। ये ऐसा सरकार का हमेशा काम रहा है। आपने कन्हैया कुमार के बारे में सुना होगा, उनको भी जब उन्होंने जब एक निचले स्तर के लोगों की आवाज़ उठाने की बात शुरू की, उनको भी एक गलत वीडियो के द्वारा वायरल करके उनको भी बदनाम किया गया पूरे देश में। आज ऐसा ही सिर्फ दूसरा कन्हैया कुमार को बनाया जा रहा है। हम पर स्टूडेंट कभी उनके सपोर्ट से पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा हमारा समर्थन। अगर आपको लगता है ये वीडियो वायरल हुआ है, देखिए हम एक स्टूडेंट हो गए तो हम लोग कानूनी इस तरीके का पर ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि क्या गलत हो रहा है और रवि गलत की तरफ है कि सही। रवि का जो हमारा मेन मुद्दे हमको साथ देगा, 4 सालों से गलत हो रहा है, अगर हम उसके साथ हो तो हम उनके साथ रहेंगे। एक छोटी सी वीडियो जिसमें क्या बोला जा रहा है वो हम छात्रों को हम लोग पता नहीं, वो गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमने इतनी बड़ी आवाज़ें उठाई है, हमारे वो मानते हैं, हम उसके सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी किस कॉलेज में हम लोग मानसवाल कितने साल है 2019-2020 के स्टूडेंट जिनमें 5 साल पहले के आए स्टूडेंट है ना, 4 साल के वीडियो थे तो शायद मोटाने के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं होती। कारण ये हो सकता है कि इसमें बड़ा फायदा माना गया है। फायदा आप अपने पर्सनल हर की जो आवाज़ होते हैं, आप किसी बड़े मंच की पिछले 4 साल में मैंने इतना बड़ा कोई नर्सिंग घोटाले को लेकर कोई भी स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं देखा है। आज कांग्रेस ने आपका साथ दिया, आपने फिर उस बात पे ध्यान नहीं दिया, वरना हम लोग हमेशा हर जगह पे जहाँ पे भी नर्सिंग के लिए रवि भैया यदि नहीं होते तो हमारी तो ये आवाज़ दबी जाती। सोचिए कि आपको ये आवाज़ नहीं पता, क्योंकि हमने इतने लेवल पे उठा चुके हैं इस आवाज़ को, फिर भी अभी आपको सपोर्ट में रवि परमार जी के साथ। जी जी, अभी अगर मान लीजिए सरकार इस विषय में कोई एक्शन लेती है तो स्टूडेंट यूनियन और आगे क्या नहीं बताओ? हमारा कोई, हम लोगों ने ये नहीं सोचा क्या कदम होगा, पर हम ये चाहते हैं कि नर्सिंग वालों के साथ इंसाफ हो, हमारे साथ इंसाफ हो, जो मेडिकल लाइन में पूरी विंग्स में जो घोटाले चल रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए उस वीडियो के साथ साथ। अभी आप यहाँ पर कांग्रेस के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप रवि परमार जी के समर्थन के लिए आप चाहते हैं सीट कटवा दीजिए, कांग्रेस आपके प्रदर्शन या इस लड़ाई में आपका साथ दे? उन्होंने नर्सिंग में हमेशा हमारा साथ दिया है, इसलिए छोटी सी फर्जी वीडियो में हमके वो गलत जो दिख रहा है वो जो भी है उस मेडिकल में हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो भी बात पर ध्यान दिया जाए। पिछले 4 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर तो हम उनके लिए उनके साथ। अभी कांग्रेस की तरफ से जैसे 2 प्रदर्शन किए जा चुके हैं, टीटी नगर थाने में, अक्षर गवर्धन थाने में, आपकी तरफ से उसमें कोई शामिल क्यों नहीं हुआ? उसमें इतना बड़ा प्रदर्शन है, सरकार तो रहम खान ही स्टूडेंट, सरकार को आतंकवादी समझ के हमला कर रही है, बच्चे को अपना सारे रिश्ते हैं, सरकार द्वारा पानी छेड़ा गया। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। ये इस नर्सिंग घोटाले से पीड़ित वो छात्र हैं जो रवि परमार के समर्थन में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में आकर अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक रवि परमार के ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं या इसमें जो भी निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं, हम इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में भी आए हैं। यहाँ उनका हम जीतू पटवारी जी से भी मिलेंगे और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से इस बातचीत करेंगे और देखते हैं इस आंदोलन का रूप मध्य प्रदेश के हवा को कहाँ तक
किस रूप तक ले जाएगा। हमारे साथ बने रहिए अनुपम कुशवाहा के साथ में अमित आरण, द खबरदार न्यूज। नमस्कार।